अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं इमरान आपको अपने नए ब्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने सारे सोशल मीडियाज़ पे, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी। तो बस आज अफ्तारी और सहरी में हम ब्लॉग नहीं कर सके क्योंकि मुझे बेगम साहिबा ने बहुत लेट उठाया था। बस अफ्तारी सहरी में समझ लें, खुलने में थोड़ा सा टाइम रह गया। सहरी खुलने में नहीं, सहरी बंद होने में। अच्छा, मैंने सारी खुलने वाला कह दिया था। हाँ जी, गया था तो मैं उठा था तो बस फिर व्लॉगिंग नहीं हुई, तो फटाफट हमने सहरी की और बस फिर मैं नमाज़ पढ़ के एज़ यूजुअल सो गया था। और बस सो के उठा हूँ तो बस फिर मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है, तकरीबन 2 बज गए हैं। तो सुलेमान को भी मैं 12 बजे ले आया था। तो बस आज पता करते हैं बेगम साहिबा से कि अफ्तारी में क्या प्लानिंग है और खाने में क्या करना है। जी ये देखें, बेगम साहब अपनी वो लेके बैठी हुई हैं मशीन। तो पता करते हैं कि इफ्तारी में आज की इनकी क्या प्लानिंग है। इफ्तारी में पकौड़े हैं और रोल, और खाने में आलू गोभी का सालन है और फूड चाट तो एज यूजल बनेगा ही। और शरबत कौन सा बनाएंगे आज हम? शिकंज भी बना लेते हैं। हाँ। चलें, ये भी ठीक है। ये बस अब देखें, ईद के कपड़े सी रही हैं थोड़े थोड़े करके, टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके सीती रहती हैं। तो देखते हैं सुलेमान अभी क्या कर रहा है। ये देखें, सुलेमान ने खाना खा लिया है, कल वाला पुलाव। अभी चॉपिंग स्टिक से खाते हो हैं भाई तुम? चॉपस्टिक से खा लेते हो सही करके? ये देखें, इसने चावल जो कल थे हमने बनाए थे वो खा लिए इसने। तो अब सुलेमान फरहान को उठाते हैं, वो सो रहा है आके। बेटा मेरा, बेटा उठो, 2:30 बजने वाले हैं, नमाज पढ़ लो और फिर जाओ सुपारा पढ़ने। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? असर की नमाज़ पढ़ के हम आ गए हैं, फरहान भी आ गया है मेरे साथ। ये देखें, आप बताएं चश्मे में कैसा लग रहा है? कमेंट में बताएं। कार्टून लग रहा है, सही लग रहा है। चलें, अब मैं कमी से बता रहा चश्मे में कैसा लग रहा है। और इसने आज शिक्षा के बाद जाना है घर में, अपने दोस्त के हाफिज दोस्त के घर, वहाँ जाके ये उसका सुनेगा। तो देखते हैं, इसे पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल में तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है ना ये बेटा? हैं, इससे पहले आपने कहाँ पे सोना था? कब? पिछले साल। वो तो मस्जिद में था, कहाँ था? नहीं, साथ ही जाता रहा, वो इसके घर नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो ये सेकेंड एक्सपीरियंस। अच्छा, मुझे याद नहीं था। तो चलें फिर अभी चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में पता करते हैं कि आज क्या क्या है बन रहा है और कहाँ कहाँ पहुँचा है। बन तो रहा है वो तो पता ही है, लेकिन कहाँ कहाँ कितना कितना पहुँच गया है। ये देखें, मैं किचन में आ गया हूँ। यहाँ पे आलू गोभी बन रही है, बस थोड़ी सी बनाइएगा ताकि रात रात ही हो जाए, क्योंकि खाने में सबने कम कमी है। इधर आटा भी गूंदा है बेगम साहिबा ने। यहाँ पे धनिया आ गया है, पुदीना बारीक कटा हुआ है, और यहाँ पे कोड़ों का सामान है अभी, क्योंकि अभी असर का टाइम हुआ है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ रेडी कर चीज़ें नहीं हुई, तो फिर मैं आपको जब दिखाऊंगा, जब चीज़ें रेडी होकर बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर मिलते हैं आपको। क्या जाना है? जूस लेने। जूस, जूस आपने पीना? जूस पीना है। रोज़ा ही रखा हुआ आपने? नहीं। क्यों नहीं रखा? रखा तो है। तो भाई मैं तो नहीं जगह जा रहा आपके, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो मैं तो नहीं जा रहा आपके साथ। मुझे आज फिर क्या कराओगी? अफ्तारी कराओगी के खाना खिलाओगी? अच्छा, डिसाइड करके आओ जल्दी से। अभी डिसाइड करने के लिए कि मुझे खाना खिलाएगी या अफ्तारी कराएगी, जब तक इसका वेट करते हैं। 2000 years later। सोच लिया? सोच लिया आगे? हाँ, ऊंचा ऊंचा बोलो। खाना खिलाओगी? इफ्तारी नहीं। खाना खिलाओगी? ये इफ्तारी।
सारी देख रहा हूँ। चलो ठीक है, चले फिर कहाँ चले? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम है मेरे जो मैं सोचा था? खाने में टाइम है अभी, क्या टाइम हो गया? नहीं टाइम, खाने में टाइम नहीं, सोचने का टाइम। सोचने का टाइम है 2 घंटे का। चलो चलो, तो अभी 6 बजने वाले हैं, तो फिर हम जाते हैं इसको जूस लेके आते, लेके दिलाते हैं और फिर वापस आते हैं। जब तक पकौड़ो और महफल में रोल शोल शरबत शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा ना रफ्तारी का बनने का, वो फिर हम आपको दिखाएंगे। मैंने चाचू को बुद्धू बनाया है। क्यों, क्या बुद्धू बनाया है? मैं सोचा कि चाचू को ना कोई उल्लू बनाते हैं, तो मेरे चाचू ने उल्लू बनाया तो ले लिया। तो अब इसका मतलब खाना मुझे नहीं खिलाओगी? नहीं। क्यों भाई, मैं तो खाना खाने पर आ जाऊंगा बस। फिर मैं मजाक कर रही थी आपको। यार ये क्या बात कर दी आपने, है भी आपने दूध इधर आ गया। अच्छा जी, मैं उर्वा के साथ गया था, उसको जूस दिला दिया है और अब मुझे खुशबूएं आना शुरू हो गई हैं किचन से। चले किचन में देखें, सरसों के तेल की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो चेक करें क्या बना अभी तक। ये देखें पकोड़े निकलना शुरू हो गए हैं, थोड़े से निकल आए हैं और बाकी अभी ये निकल रहे हैं। चले हमने बस खाना भी खा लिया इफ्तारी के बाद, चाय भी पी ली है और बस फिर मैं आ गया यहाँ, लेट गया हूँ थोड़ी देर के लिए कि यार बस इशा में तकरीबन 15-1 मिनट रह गए, 20 मिनट इशा की नमाज़ के लिए, उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ने निकल जाएंगे। तो बस फिर मैंने कहा इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लें ताकि वीडियो अपलोड भी करें, क्योंकि ताकि आपको 9:30 बजे तक वीडियो देखने को मिल जाए। तो चलें इसी के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। Do like, share and comments our channel, which is Life with Imran Family. और मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।